हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो है डैम्ड फ्री वाइब्रेशंस के ऊपर, जो कि डायनामिक्स ऑफ मशीनरी का एक टॉपिक है। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि डैम्ड वाइब्रेशंस क्या होते हैं। तो अगर कोई हमारे पास सिस्टम है जो वाइब्रेट कर रहा है, तो हम कोई ऐसा रेजिस्टेंस उसमें प्रोवाइड कर देंगे जिससे क्या होगा, जो वाइब्रेशन हो रहे थे वो कम हो जाए। तो ऐसे टाइप के जो सिस्टम होते हैं उसे कहा जाता है डैम्ड वाइब्रेशन। वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन को रिड्यूस कर रहे हैं। और ये जो प्रोसेस होता है जिससे हम वाइब्रेशन को रिड्यूस करते हैं बाय गिविंग एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, उसे कहा जाता है डैम्पिंग। और उसके लिए जो एलिमेंट या तो फिर जो डिवाइस यूज़ होता है उसे कहा जाता है डैम्पर। और यहाँ पे लिखा गया है डैम्ड फ्री वाइब्रेशन। उसका मतलब क्या है कि अगर हमने एक डैम्पर प्रोवाइड कर दिया है सिस्टम के अंदर, तो कोई भी हमें बाहर से एक्सटर्नल फोर्स, दूसरा डैम्पिंग फोर्स नहीं लेना है जिससे कि हमें रिड्यूस करना है वाइब्रेशन। सिर्फ वो आपने डैम्पर लगाया है उससे ही वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के जो वाइब्रेशंस होते हैं उसे कहा जाता है फ्री वाइब्रेशंस। यहाँ पे है डैम्पर वाला, तो वी कैन से दैट डैम्ड फ्री वाइब्रेशंस। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं और उससे डैम्पिंग हो रहा है, देन इट इज़ नोन एज फोर्स डैम्ड वाइब्रेशंस। वो हम बाद में देखेंगे। आज हम बात करेंगे डैम्ड फ्री वाइब्रेशंस विथ विस्कस डैम्पिंग। तो ये विस्कस डैम्पिंग क्या है कि हमारे पास अलग अलग टाइप की डैम्पिंग होती है, उसमें से एक टाइप है उसकी विस्कस डैम्पिंग। चलिए, तो अब थियरी समझने के लिए हम एक सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सिस्टम है, उसके अंदर क्या है, एक मास है, तो दैट इज स्मॉल m। फिर हमारे पास स्प्रिंग है, उसका कॉन्स्टेंट रहता है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट k। अब ये जो एलिमेंट है उसे कहा जाता है डैम्पर, और ये जो डैम्पर है उसका भी कोई कॉन्स्टेंट होगा और वो है दैट इज c, और c को कहा जाता है डैम्पिंग कोएफिशिएंट या तो फिर डैम्पिंग कॉन्स्टेंट। तो अब हम क्या करेंगे, आप ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं वो है इनिशियल पोजीशन ऑफ दिस मास। अब हमें क्या करना है, अगर हम उसे डिफ्लेक्शन देंगे x जितना, मतलब कि डिस्प्लेस करेंगे, तो हमें ये नई पोजीशन मिलेगी और दैट इज इक्वल्स टू x। तो अगर ये मास यहाँ से इतना ट्रांसफर हुआ है तो उससे हमें क्या मिलेगा, तो एक तो होगा उसका डिस्प्लेसमेंट, फिर दूसरा रहेगा उसका वेलोसिटी, और थर्ड रहेगा उसका एक्सेलरेशन। तो ये थ्री प्रॉपर्टीज है जो मास के ऊपर लगने वाली है। अब हम देख लेते हैं उसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये थियरी सॉल्व करने के लिए भी हम डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल ही यूज़ करने वाले हैं, जो कि हमने आगे वाले टॉपिक्स में किया था। तो अगर आपको नहीं पता है डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल, तो पहले आप वीडियो देख लीजिएगा और फिर ये टॉपिक देखिएगा। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे उसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम फोर्स रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो हमें पता है कि हमने जो मूवमेंट दिया था वो कौन सा था, डाउनवर्ड मूवमेंट था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो उससे मास के अंदर उसका इनर्शिया फोर्स क्रिएट होगा विच विल बी इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन टू दी मोशन। तो हमारा मोशन नीचे था तो ऑपोजिट डायरेक्शन में इनर्शिया लगेगा, तो वो कितना रहेगा एम ए, और ए को हमें डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में लिखना है, तो दैट विल बी एम एक्स डबल डॉट। फिर हमारे पास है स्प्रिंग फोर्स और है यहाँ पे डैम्पिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स क्या रहेगा, अब हमने उसे नीचे डिफ्लेक्ट किया है, तो स्प्रिंग फोर्स इज अ रेजिस्टिव फोर्स, तो वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, और स्प्रिंग फोर्स कितना रहता है के एक्स। और जो डैम्पिंग फोर्स है वो भी एक टाइप का रेजिस्टिव फोर्स है, तो वो मूवमेंट के ऑपोजिट ही जाने वाला है, तो वो भी होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो के एक्स था इसके लिए। तो आपको यहाँ पे याद रखना है डैम्पिंग फोर्स क्या रहता है, सी इंटू एक्स डॉट। तो आप कह सकते हैं कि डैम्पिंग फोर्स जो होता है वो होता है फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पे वो होता है फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर दी स्प्रिंग। तो दिस इज योर स्प्रिंग फोर्स एंड दिस इज डैम्पिंग फोर्स, और ये नीचे जो फोर्स है वो तो आपको पता है दैट इज द इनर्शिया फोर्स। तो ये हो गया आपका फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसे यूज करके हम अप्लाई करेंगे डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल। चलिए, तो यहाँ पे मैंने अब जो फोर्सेस लग रहे हैं बॉडी के ऊपर वो पॉइंट आउट कर लिए है। दैट इज फर्स्ट वन इज इनर्शिया फोर्स, वो है एम एक्स डबल डॉट, और उसका डायरेक्शन कौन सा है अपवर्ड डायरेक्शन। फिर है स्प्रिंग फोर्स दैट इज के एक्स, उसका डायरेक्शन कौन सा है अपवर्ड डायरेक्शन। और लास्टली जो डैम्पिंग फोर्स है उसका वैल्यू है सी इंटू एक्स डॉट, और उसका भी डायरेक्शन कौन सा है अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे ये जो सी है वो क्या है, डैम्पिंग कोएफिशिएंट, और उसका यूनिट है न्यूटन सेकेंड पर मीटर। चले, तो अब हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू डी एलेम्बर्ट्स
प्रिंसिपल व्हाट वी कैन से दैट इज समेशन ऑफ इनर्शिया फोर्सेस प्लस एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल्स टू जीरो. तो अब ये जो इनर्शिया फोर्स है वो कौन सा है, दैट इज अवर मास फोर्स दैट इज एम इंटू एक्स डबल डॉट, और जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कौन से रहेंगे, स्प्रिंग और डैम्पिंग फोर्स. अब यहाँ पे जो अपवर्ड है वो हम पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड है वो हम नेगेटिव लेंगे, दैट इज स्टैंडर्ड, आप कोई भी ले सकते हैं वाइस वर्सा. बट यहाँ पे ऑल आर इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, तो हम क्या करेंगे, सबको पॉजिटिव ही लेंगे. तो इनर्शिया फोर्स पहले लिख लेते हैं एम एक्स डबल डॉट, फिर होगा प्लस एक्सटर्नल फोर्सेस में स्प्रिंग फोर्स दैट इज के एक्स प्लस सी एक्स डॉट इज इक्वल्स टू जीरो. अब यहाँ पे एक्स डबल डॉट फिर एक्स डॉट और फिर एक्स लिख लेते हैं, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्म बना रहे हैं, तो ये होगा आपका मेन इक्वेशन, तो इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर वन. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द डिग्री टू, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है एक्स डबल डॉट. तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, तो सॉल्यूशन ऑफ अबव सेकेंड ऑर्डर, हम कह सकते हैं दैट इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, तो आपने एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ये पढ़ा होगा, उसका जो आंसर रहता है वो क्या रहता है, x इज इक्वल्स टू ई रेस टू एस टी. तो यहाँ पे ये जो x है वो वैल्यू है हमारे डिस्प्लेसमेंट का, ये पूरे इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा x का. फिर ये जो यहाँ पे ई रेस टू एस जो है, s क्या होता है, तो आप याद रखिए ये थियरी के लिए, s इज सम कॉन्स्टेंट, वो एक कॉन्स्टेंट है और उसे क्या करना है, टू बी डिटरमाइंड, मतलब कि हमें अब उसका वैल्यू फाइंड करना होगा, और t हमारा टाइम है. तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, s. तो हमारे पास s को पुट आउट करने के लिए एक तो x की जगह है, यहाँ पे आप इक्वेशन वन में देख सकते हैं हमारे पास x की वैल्यू है, हमारे पास x डॉट की वैल्यू नहीं है और x डबल डॉट की वैल्यू नहीं है. तो यूजिंग दिस इक्वेशन वी विल फाइंड दिस टू. तो देयरफॉर वी कैन से दैट x डॉट इज इक्वल्स टू, आप कह सकते हैं x डॉट क्या रहेगा, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म विथ रिस्पेक्ट टू t. तो e रेस टू का st का होता है e रेस टू st, और st का फिर से हम चेन रूल अप्लाई करके करेंगे तो हमें मिलेगा s, और उसके बाद अगर हमें फाइंड करना है x डबल डॉट तो वो क्या रहेगा, इसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो दैट विल बी s e रेस टू st का रहेगा s e रेस टू st, और फिर से e रेस टू st का ये जो st है उसका हम करेंगे तो हमें मिलेगा फिर से एक s, तो दैट विल बी s स्क्वायर. तो अब हमारे पास तीन वैल्यूज हैं, दिस इज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो वी विल पुट दिस वैल्यूज इन द इक्वेशन वन. चलिए तो वैल्यूज पुट आउट कर लेते हैं इन द इक्वेशन वन. तो हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम वन वी कैन से दैट एम एज इट इज एक्स डॉट डबल डॉट की जगह पे हमें लिखना है एस स्क्वायर ई रेस टू एस टी, फिर होगा प्लस सी, यहाँ पे आएगा एस ई रेस टू एस टी प्लस के, और एक्स की जगह पे हम लिखेंगे ई रेस टू एस टी इज इक्वल्स टू जीरो. अब यहाँ पे e रेस टू एस टी कॉमन रहेगा तो दैट विल बी कैंसिल विद जीरो, तो दैट विल बी एम एस स्क्वायर प्लस सी एस प्लस के इज इक्वल्स टू जीरो. अब ये जो इक्वेशन हमें मिला है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर द डैम्ड फ्री वाइब्रेशंस. तो ये जो इक्वेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, लेकिन अब ये पूरा इक्वेशन कन्वर्ट हो गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और उसका वेरिएबल क्या है, s. तो अब हम क्या करेंगे, s का वैल्यू फाइंड करेंगे. तो s का वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डिस्क्रिमिनेंट मेथड. तो दैट इज यहाँ पे हम कह सकते हैं a विल बी व्हाट, तो a इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, तो दैट इज m, b इज कोएफिशिएंट ऑफ s दैट इज c, एंड c इज अनदर, यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे एक c है ये c है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे c डैश ले लेते हैं. तो दैट विल बी नथिंग बट यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट बचे है वो दैट इज k. अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज करेंगे और उससे हम फाइंड करेंगे s का आंसर. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें s के दो आंसर मिलेंगे, तो हम कह सकते हैं s1 और s2 का आंसर क्या रहेगा, माइनस b प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डैश डिवाइडेड बाय 2a. अब यहाँ पे हमें सिर्फ वैल्यू पुट आउट करना है, तो हमारे पास वैल्यू है b का वैल्यू है c, तो माइनस c प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज सी स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ए इज योर एम सी डैश इज योर के एंड होल डिवाइडेड बाई ट्वाइस एम.
अब उसे थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, ये जो 2m है उसे स्प्लिट करते हैं और 2m को हम रूट के अंदर ले जाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, सी बाई ट्वाइस एम प्लस और माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस 4m के। अब ये जो 2m है वो रूट के अंदर गया, मतलब कि उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो हमें मिलेगा दैट इज 4m स्क्वायर। फिर हम करेंगे स्प्लिट, तो हमें मिलेगा माइनस सी बाई ट्वाइस एम प्लस और माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर माइनस 4m के बाय 4m स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें मिलेगा प्लस और माइनस अंडर रूट, हम कह सकते हैं इट इज 1/4 इंटू सी बाई एम द होल स्क्वायर माइनस 4m गेट कैंसल, वी गेट k बाय m। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ s1 एंड s2। तो यहाँ पे हमने दो लिखा है, मतलब कि हमें मिल सकता है s1 इज इक्वल्स टू माइनस सी बाई ट्वाइस एम प्लस अंडर रूट 1/4 सी बाई एम द होल स्क्वायर माइनस के बाई एम, और जो s2 रहेगा वो रहेगा माइनस वाला जो बाकी है वो, तो दैट इज माइनस अंडर रूट 1/4 सी बाई एम द होल स्क्वायर माइनस के बाई एम। तो यहाँ पे हमारे पास दो s के आंसर मिल गए हैं। तो हमने आगे क्या लिखा था, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ अबव सेकेंडरी और सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज xe^st। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अभी हमें जो सॉल्यूशन मिला है टू द इक्वेशन 1, दैट इज व्हाट, x इज इक्वल्स टू e^s1t एंड x इज इक्वल्स टू e^s2t, क्योंकि हमारे पास दो s के वैल्यू, और वैसे भी यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर है तो हमें x के दो ही आंसर मिलने वाले थे। अब हम क्या कह सकते हैं, ये इक्वेशन के आंसर है, तो अब ये जो इक्वेशन था हमारा इक्वेशन 1, उसका हम क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। तो उसका जनरल सॉल्यूशन दिया जाता है बाय दिस इक्वेशन, दैट इज x इज इक्वल्स टू a, एक बार ये यूज कर लीजिए s1t प्लस बी, दूसरी बार ये यूज कीजिए दैट इज e^s2t। अब ये जो है वो हमारा मेन इक्वेशन है, और यहाँ पे ये जो a और b है वो दोनों क्या है, दैट इज दी कॉन्स्टेंट्स।